फतेहाबाद के गांव बैजलपुर की पंचायत के ऐतिहासिक फैसले के बाद एक और सरपंच का सराहनीय कदम, बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनूठी पहल। परीक्षा में अव्वल आने पर शेखोपुर दड़ोली के गांव की सरपंच द्वारा हजारों रुपए इनाम की घोषणा। राज्य स्तर पर अव्वल आने पर 31,000, जिला स्तर पर अव्वल आने पर 21,000, खंड स्तर पर अव्वल आने पर 11,000 और स्कूल स्तर पर प्रथम आने पर गांव की बेटी के लिए 5100 रुपए की घोषणा। महिला दिवस पर गांव की सरपंच सुमन कुमारी ने पंचायत में की घोषणा, सरपंच द्वारा अपने व्यक्तिगत कोष से देंगी इनाम। हमारे गांव की सरपंच महोदया ने लड़कियों के लिए बोर्ड की कक्षा में टॉप करने पर जो प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, एक अच्छी पहल है और इससे लड़कियों की शिक्षा में सुधार होगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं घोषणा करती हूं कि मेरे गांव की बेटियां जो आगामी बोर्ड की परीक्षाओं में टॉपर रहेगी, उन्हें मैं अपने निजी कोष प्रोत्साहन दूंगी, जो कि इस प्रकार रहेगा। राज्य स्तर पर प्रथम आने पर 3100 रुपए, जिला स्तर पर प्रथम आने पर 2100 रुपए, खंड स्तर पर प्रथम आने पर 11,000 रुपए, स्कूल स्तर पर प्रथम आने पर 5100 रुपए। धन्यवाद। आज हमारे गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हमारे गांव की सरपंच सुमन सुथार ने, मतलब जो भी छात्राएं राज्य स्तर पर मतलब अव्वल दर्जा आएगी उनको बहुत बढ़िया 31,000 रुपए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी छात्राएं प्रथम लेवल आएगी स्तर पर उनको मतलब 21,000 रुपए, और जो ब्लॉक स्तर पर मतलब प्रथम स्थान प्राप्त करेगी उनको 11,000 रुपए। तो मतलब लड़कियों की शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरपंच श्रीमती सुमन सुथार ने बहुत ही बड़ा मतलब एक योगदान दिया है। इससे मतलब बच्चे मोटिवेट होंगे और आगे आने वाले समय मतलब शिक्षा का स्तर है वो मतलब बहुत बढ़िया मतलब ऊंचा होगा। इसलिए हम मतलब श्रीमती सुमन सुथार का मतलब हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं इस मतलब सुझाव जो घोषणा करी इसके लिए, और वो जो राशि है वो अपने निजी मतलब कोष से देगी, ना कि कोई मतलब पंचायत कोष से देगी। इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।